लोकसभा चुनावों में अभी 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विपक्ष चुनावों से पहले ही एक मजबूत गठबंधन तैयार करने की कोशिश में है। शरद पवार के घर पर 22 जून को राष्ट्रमंच के बैनर तले इसे लेकर बैठक भी हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भले ही दावा किया गया हो कि बैठक गैर राजनीतिक थी, लेकिन बैठक में शामिल दूसरे दलों के नेताओं ने साफ कर दिया कि नेता एक मंच पर जुटेंगे तो राजनीति की बात तो होगी ही। और अब शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है, तो क्या कहा है पवार ने, देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी की तैयारी है। किसान आंदोलन, जीएसटी, महामारी के दौरान सरकार की असफलता सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। इस बीच पवार के घर पर 8 विपक्षी दलों के नेता जुटे। पवार भले ही दावा कर रही हैं कि बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय गठबंधन तैयार करना नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अभी शुरुआत है और इसमें और भी दलों को जोड़ा जाएगा। और शरद पवार ने भी आज इस ओर इशारा किया है। पवार ने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ बनाए जाने वाले गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व होना जरूरी है। हमें सामूहिक नेतृत्व की भावना के साथ ही आगे बढ़ना होगा। गठबंधन में मेरी भूमिका सिर्फ मार्गदर्शन की होगी, लेकिन साथ ही पवार ने ये भी कहा कि अभी हमने केंद्र सरकार के खिलाफ वैकल्पिक गठबंधन बनाने पर विचार नहीं किया, लेकिन भविष्य में ये बन सकता है। बीजेपी के खिलाफ कोई भी गठबंधन बनेगा तो उसमें कांग्रेस को साथ लेना ही होगा। मैंने बैठक में भी ये बात कही थी। पवार की बातों का समर्थन शिवसेना ने भी किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम चल रहा है। कांग्रेस इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देना है। कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों का कोई भी गठबंधन अधूरा होगा। वैसे पवार के घर हुई बैठक में शिवसेना को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन दोनों पार्टियां ये स्वीकार करती हैं कि बीजेपी को कांग्रेस की मदद के बिना रोका नहीं जा सकता। डीवी लाइव की रिपोर्ट।